हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मैं सोच रहा था कि मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ तो आपको अपना एक्सपीरियंस भी बता दूँ। ये वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगी कि मेरा जीवन का टेस्ट, तो अभी मैं जीवन का टेस्ट देने जा रहा हूँ। जब तक मेरी बस नहीं आती तब तक मैं आपसे थोड़ी बातें कर लेता हूँ कि ओटवा लैकनर जाना है मैंने, तो 205 नंबर बस पकड़नी है, तो उस साइड से हमने पकड़नी है 205 नंबर। तो $105 फीस होती है, क्या कहते हैं, G1 की, और G2 की होती है $51 और G की होती है $80, ठीक है। तो अगर आपको क्या कहते हैं G1 देना है तो आप $105 ही पे करोगे, ठीक है। अगर आपको G2 देना है, G1 G2 की फ़ीस एक बार में हो जाती है, G1 G2 की टोटल $158 आपके कटेंगे। सबसे पहले आपको MTO ऑफिस जाना होता है, वहाँ से आप एक स्लिप कटवाओगे, स्लिप मतलब निकलवाओगे, वहाँ पे मशीन होती है, वहाँ पे प्रेस करके फिर आपका नंबर आएगा। देन यू विल शो योर एक्सपीरियंस एज वेल एज योर इंडियन लाइसेंस इफ़ यू हैव। माय प्रेफरेंस विल बी इफ़ यू हैव द इंडियन लाइसेंस इट विल बी ग्रेट, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस अगर जुड़ेगा उसमें तो उससे ये बेनिफिट होगा, यू कैन गिव G2, यू डोंट हैव टू वेट फॉर 8 मंथ्स, ओके। एंड अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा है तो आप G दे सकते हो। G1 में क्या होता है, वो थियोरटिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 20 क्वेश्चन साइंस के होते हैं, साइंस कौन कौन सा साइन होता है, और 20 क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल कि ये हो जाएगा तो ये क्या होगा, ठीक है। तो अभी मैं देने जा रहा हूँ G1 का टेस्ट, अभी मेरी बस आएगी 205 नंबर, तो बस का वेट कर रहा हूँ। तो जब बस आ जाएगी तो बस में जाऊंगा, और लाइफ तो सही है कनाडा में, बट जॉब अभी तक मिली नहीं है। ठंड भी पड़ती है बट अभी तो धूप है, आप देख सकते हो मैंने एक हुडी पहनी है। तो मेरी तो यही सजेशन रहेगी, मई में काम मिलता है बट किचनर एरिया में थोड़ा काम ठंडा है, पता नहीं क्यों काम मिल नहीं रहा है। मैंने सभी एजेंसीज में रजिस्टर करा लिया है। तो बात, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि ये वीडियो ऐसा मेरे एक्सपीरियंस भी रहे कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ, और मुझे एक येलो स्लिप मिली थी, मैंने सैटरडे को रजिस्ट्रेशन कराई थी, मेरे पास है 2.5 इयर्स का एक्सपीरियंस, तो मैं G दे सकता हूँ, बट मैं G नहीं दूंगा, ना G2 दूंगा, अभी G1 दूंगा, क्योंकि G1 एक मेरे पास एक कैनेडियन आईडी हो जाएगी, बार बार मुझे पासपोर्ट नहीं निकाल के देना पड़ेगा। कैनेडियन आईडी मतलब G1 ओंटारियो का एक लाइसेंस आ जाएगा मेरे पास। तो G1 G2 G का डिफरेंस मैंने वीडियो अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक ऊपर राइट साइड में दे देता हूँ, आप उस पर क्लिक कर लीजिए और आपको पता लग जाएगा उसके बारे में, ठीक है। तो अभी तो मैं देने जा रहा हूँ टेस्ट, देखो क्या होता है। तैयारी मैंने की है एक एप्लीकेशन से, आप भी कर सकते हो, बहुत ईजी है और टेस्ट ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू क्रैक दैट एग्ज़ाम, बट इफ़ यू विल नॉट फोकस ऑन दैट एग्ज़ाम देन यू विल नॉट एबल टू अचीव द डिज़ायर्ड नंबर ऑफ स्कोर्स यू नीड। अप्रॉक्सीमेटली 20 में से 16 सही होने चाहिए, एंड टोटल आप देख सकते हो 40 में से 32। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा, अभी मैं पूरा नंबर्स का श्योर नहीं हूं, तो जैसे ही बस आती है फिर मैं बस में बैठता हूं, फिर हम जाते हैं MTO ऑफिस टेस्ट देने। गाइस, मैं बस में बैठ गया हूं, तो मैं G1 का टेस्ट देने जा रहा था, और भाई मिल गए, तो अपने बारे में बता दो लोगों को कि मेरा नाम जसवंत सिंह है। हाँ जी, हाँ जी, मैं पंजाब तो हूँ, मैं हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर रहे थे। ओके, मेरा मी बैच है। हाँ जी, हाँ जी, एक महीने होया मैंने भाई नु, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਥੋੜੇ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਜੇ ਪੂਜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਭਾਜੀ ਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇਖਦੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ G1 ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ, ਤੇ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਕਟਾ ਲਈਏ, ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਹੈ G1 ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ,
ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਉਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਦੂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਰੱਖੋ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਬਾਏ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾ ਦਿਉ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੋਬ, ਟੀਮ ਹੋਟਲ ਡੋਲਰਾਮਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਅਭੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋਬ ਲਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਲੌਗ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬ੍ਰਦਰ ਫਾਰ ਲਵ। ਤੇ ਅਭੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਤੋ ਇਨਸੇ ਮੈਂ ਬਾਤੇਂ ਕਰ ਲੇਤਾ ਹੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੂੰਗਾ ਜੀਵਨ ਕਾ ਟੈਸਟ ਹੁਆ ਕਿਆ ਔਰ ਉਸਮੇ ਹੋਤਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਸਕੇ ਨੀਚੇ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਡਾਲ ਦੂੰਗਾ, ਔਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਆਈ ਡੀ ਵੀ ਬਤਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਨਕਾ ਵੀ ਡਾਲ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਇਨਕਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ ਔਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਡਾਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਮਿਲਤੇ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੂੰ, ਤੋ ਅਭੀ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਦਿਉ। ਤੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਤੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿਆ ਹੈ ਮਾਹੌਲ। ਇਹ ਸਲਿਪ ਹੋਤੀ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਕੀ ਸਲਿਪ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਗੀ ਜਬ ਆਪ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਦੈਨ ਯੇ ਹੈ ਟਿਕਟ। ਸੋ ਆਪਕੋ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਆਪਕੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ। ਤੋ ਅਭੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਤੇ, ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਗਾ ਤੋ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਪਾਊਂਗਾ ਟੈਸਟ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਊਂਗਾ। ਤੋ ਅਭੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਬਾਰੀ ਆ ਜਾਏ 144, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਇਸਕੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਆਪ ਮਾਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੁਝੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, $10 ਲੱਗੇਗੇ ਆਪਕੋ, $10 ਮੈਂ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇ ਕਰਤੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਅੱਛੇ ਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ 20, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਹੋਤੇ ਹੈ ਐਕਚੁਲੀ ਵੋ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਈਨ ਕਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਕੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਤਾਇਆ ਹੈ, ਵੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਪਕੋ ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਵੀ ਬਤਾ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਭੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਆਪਕੋ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਕਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਅਗਰ ਆਪ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਮ ਇਹੀ ਹੋਗਾ, ਦੋ ਵਾਰ ਦੀਆ ਟੈਸਟ, ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਫੇਲ। ਬਟ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਦੋ ਹੋਤੇ ਹੈਂ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਲਸ ਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਹੈ, $15 ਮੁਝੇ ਫਿਰ ਦੇਣੇ ਪੜੇਂਗੇ, $15 ਦੇ ਕੇ ਅਬ ਮੈਂ ਦੂੰਗਾ ਆਪਣਾ ਰੂਲਸ ਕਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੂੰਗਾ। ਅਭੀ ਮੈਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਨੇ, ਤੋ ਇਹ ਵਲੌਗ ਤੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ, ਅਭੀ ਆਪ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਰਹੇਗੇ ਜਬ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਲ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖੋ, ਆਪਕੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਖਣੇ ਕੋ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਬਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਫਾਈਨਲ ਇਗਜ਼ਾਮਸ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਅਗਰ ਆਪ ਲਾਈਟਲੀ ਲੋਗੇ, ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਵੀ ਲੋਗੇ, ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਗੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਰਹਿਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਤੋ ਇਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਯੇ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਤੋ ਅਭੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਬਟ ਯੇ ਵਲੌਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਸਕਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਡਾਲੂੰਗਾ, ਇਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਕੇ ਵਲੌਗ ਕੇ ਸਾਥ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬਤਾਈਏਗਾ, ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਕਭੀ ਆਪ ਹਾਰ ਨਾ ਮਾਨੋ, ਅਗਰ ਆਪ ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਤੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਾਰ ਮਾਨ ਕੇ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ? ਅਬ ਦੇਖੋ, ਆਪ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਸੈਡਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਰਿਗਰੈਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਭੀ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੱਖ ਅਭੀ ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਤੇ, ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੇ ਬਤਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕੋ ਕੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਬ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਸ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਫ ਕੋ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਤੋ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ,
और सिक्योरिटी के बारे में तो आपको बताऊंगा जरूर, वो थोड़ा सरप्राइज है। इस वीडियो के बाद सिक्योरिटी के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ अपनी क्लास लेक्चर लगाने, असाइनमेंट का काम करने, तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ लिंक्ड होगी, वो अलग नहीं होगी। जब मैं पास करूँगा, जब मैं देने जाऊँगा अगली बार टेस्ट, तो तब भी यही व्लॉग बनाऊँगा। ये व्लॉग सेम रहेगा और ये मेरा फेलियर भी सेम रहेगा कि मैं फेल हुआ था दो बार इन जीवन टेस्ट, दो बार। थर्ड अटैम्प्ट में निकालना, जैसे मैंने पास कर लिया मैं आपको बता दूंगा मैंने क्या गलती की थी और मुझे आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, आप एक बार में क्लियर करो। ठीक है गाइस, ओके बाय बाय, हैव अ गुड डे। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सो मैं दोबारा जीवन का लाइसेंस का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया मैं दो बार फेल हो चुका हूँ और आपने मेरे व्लॉग देखा होगा, तो ये कम्बाइंड वीडियो है। तो आज जो तारीख है, मतलब मैं एक दो हफ्ते बाद ही देने जा रहा हूँ क्योंकि टाइम लगा था। तो अभी सुबह सुबह हो रही है, तो सुबह सुबह इसलिए निकला हूँ ताकि यहाँ पे नंबर लेना पड़ता है, टिकट नंबर, और उसकी वजह से आपको वेट करनी पड़ती है, वेटिंग टाइम मेरा कम होगा। और मैं जो एप्लीकेशन यूज़ कर, अगर मेरा क्लियर हो जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की है। वैसे यार ये ईजी होता है, एक्चुअली मैं नर्वस ऐसा हो गया था तो उसकी वजह से ये हो गया। बाकी अब साइंस का मैंने क्लियर कर लिया था, अब ओनली मेरा रूल्स का होगा। ठीक है, तो मैं वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगा इसके बारे में। सो गाइस, एक बात बताना चाहूँगा, आपको हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ। अगर आप गिव अप कर दोगे तो क्या फ़ायदा होगा उसका। तो इसलिए मैं अब जा रहा हूँ, मैं पहुँच गया हूँ, अब मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ अंदर थोड़ा, तो फिर मैं आपको बताता हूँ मेरा टेस्ट क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, तो गाइस इन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, ये मिले थे आपको पता है व्लॉग में, तो आप अपना एक्सपीरियंस बता दो इन्हें एग्ज़ाम का। हाँ जी, एग्ज़ाम बढ़िया था, बस पहले जो रूल्स वाला सेक्शन था उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी थी। पहले चार पांच क्वेश्चन थे मेरे, पहले चार ही एक साथ गलत हो गए थे, तो फिर मुझे लगा कि बस अब छोड़ दूँ, पर फिर मैंने किसी तरह से कर लिया पूरा, तो वो बाकी सारे बाद में सही हो गए। आप चार गलत कर सकते हो, 20 में से दोनों सेक्शन में आपको चार चार गलत अलाउड है, उसके बाद नहीं कर सकते। तो क्या वगैरह एडवाइस एंड टिप्स देना चाहेंगे उन लोगों को जो देने आ रहे हैं? एडवाइस यही है कि बस आप अच्छी तरह पढ़ के आओ, थोड़ा साइंस को अच्छी तरह से देखो और ट्राई करो कि जब आप रोड पे जा रहे हो तब भी देखो कि कौन से साइन का मतलब क्या है और वो लोग वहाँ पे कैसे रुकते हैं, कैसे उनको फॉलो करते हैं, बस यही है। बाकी आप ऐप और या नेट से पढ़ सकते हो। और अपना नाम बता दो और कौन से स्टेट में आए हो? मेरा नाम जसवंत सिंह है और मैं हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स कर रहा हूँ और मैं यहाँ अभी मेन टिक में आया था। तो अगर आप हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स कर रहे हो तो फिर आप में से तो जो भी देख रहे हैं तो कॉनेस्टोगा कॉलेज में जसवंत से जरूर मिलेगा, ये आपके सीनियर होंगे और आपकी हेल्प भी कर देंगे। मैं एटीएन ब्लॉक 116 में हूँ। ओके, मेरी वहाँ क्लास लगती है 1 to 5 में क्लास लगती है और 116 में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में ये बोला था कि हमें सीनियर से मिलना है ताकि हमें एक्सपीरियंस हो सके उस कोर्स के रिलेटेड, तो अगर आपको हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछना है आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं इनकी इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूँ, तो वो लिंक के थ्रू ही आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो मैं अभी तो मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, इनका हो गया, मैं एग्ज़ाम कर लूँगा, तो बाय कह दीजिए। ओके, सो गाइस मैंने क्लियर कर लिया एग्ज़ाम। एक्चुअली ये फोर्थ टाइम था मैंने एग्ज़ाम दिया है, मतलब इतना मुश्किल तो नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड मैंने बना दिया था, लेकिन आखिरकार मैंने जीवन पास कर लिया है। अब मैं वेट कर रहा हूँ, ये येलो पेज होता है आपका, ठीक है, अब मैं वेट कर रहा हूँ, मेरी बारी आएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ जीवन कैसे होता है। और आपने मेरी जीवन वाली लाइसेंस वाली वीडियो देखी होगी कैसी थी, अमरवीर ने बताया था, बट चार बार ट्राई किया, बट इसमें क्या है मैं थोड़ी चीज़ें बता दूंगा थोड़ी देर में जैसे मुझे जीवन लाइसेंस मिलता है। सो गाइस मैं बाहर आ गया और मैंने अपना जीवन क्लियर कर लिया फाइनली चार बार अटेम्प्ट के बाद। बट मुझे लग रहा है कि सबने एक अटेम्प्ट में कर लिया और मैंने चार अटेम्प्ट में किया, मेरी गलती कहाँ हो रही थी मैं आपको गलती बता देता हूँ। माई मिस्टेक वॉज देयर वेन आई वॉज गिविंग माई एग्ज़ाम एंड आई वॉज नॉट गिविंग एग्ज़ाम टाइम, मीन्स नॉट मेंटेनिंग द एग्ज़ाम टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन को मैं एक मिनट में कर देता था
और मैं अच्छे से पढ़ता नहीं था. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टडी, स्टडी हार्ड, और हर एक क्वेश्चन को आपने 5 से 10 मिनट देने ही देने हैं. चाहे आपको पता है उसका आंसर सही है या गलत है, आपको 5 से 10 मिनट देने ही देने हैं, अदरवाइज मेरी तरह हाल हो जाएगा. बट एटलीस्ट कम से कम मुझे पता तो लग गया कि हम जीवन का लाइसेंस एक्सपीरियंस हो गया, मुझे लाइसेंस आ जाएगा मेरे घर में, आपको लिखाऊंगा. अभी मैं वो टेम्परेरी लाइसेंस दिखाता हूँ वो कैसा होता है. अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हाउ टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस फॉर जीवन, तो फिर देख लेना, ठीक है. तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, फिर आपको मैं लाइसेंस दिखाता हूँ कैसा है लाइसेंस. अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक किया करो यार, लाइक करने में क्यों शर्माते हो, और कमेंट में ज़रूर बताया करो. क्योंकि हम हैं बड़े दिल के, कुछ यूट्यूबर्स नहीं रिप्लाई करते वो अलग बात है, बट प्रियांशु विल रिप्लाई यू. करता हूँ मैं रिप्लाई हर सबको. और बात ऐसी है, ईगो ईगो तो बंदे की तब आती है जब कोई बड़ा बन जाता है, बट कभी इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है. सो मैं पहले भी ऐसा हूँ, जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब भी मैं ऐसा रहूँगा. तभी मैं वीडियो में बता देता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि जिसके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं फिर वो ऐसा बिहेव करता है, ये वो. बट एक चीज़ बताता हूँ, सब्सक्राइबर्स जिसके गेन होते हैं 1 लाख 2 लाख हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो दूसरों की हेल्प नहीं करना चाहते. क्यों? क्योंकि वो खुद स्ट्रगल करके बड़े हैं. बट ये मेरे हिसाब से ये गलत है, आपको हेल्प करनी चाहिए. जैसे मैं हूँ, मैं प्रियांशु व्लॉग्स, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं अपना यूट्यूब चैनल अच्छे से चला रहा हूँ, ठीक है. बट नो वन इज़ सपोर्टिंग मी. मैंने मैसेज किए हैं बहुत सारी यूट्यूबर्स को, और मैं नाम लेके उन्हें बदनाम भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है ऐसे लोग जो होते हैं दूसरों की हेल्प इसलिए नहीं करते, उन्हें डर रहता है कि वो आगे ना निकल जाए मेरे से. इंडियन मेंटेलिटी है. सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा गाइस, अपने दम पे बढ़ो, किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. यहाँ पे यू आर इन कैनेडा, आप कैनेडा आओगे, फुली इंडिपेंडेंट रहो, किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है. कोई आता है आपकी लाइफ में आए, कोई जाता है आपकी लाइफ में जाए, किसी से कोई रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव योर ओन वैल्यू, आपकी अपनी वैल्यू है, ठीक है. तो मैं ज़्यादा प्रवचन झाड़ने लग गया, मैं प्रवचन तो नहीं झाड़ना चाहता था, बट बताना ज़रूरी था आपको, आपके साथ मैं दिल की बात शेयर करना ज़रूरी था. क्योंकि मैं हफ्ते में 2 वीडियो डालता हूँ, आपको भी पता है हफ्ते में 2 वीडियो डालना कितना मुश्किल है, एक वेडनेसडे को और संडे को. तो मैं अभी घर जा रहा हूँ, घर जाके आपको लाइसेंस दिखाता हूँ, फिर ये वीडियो एंड करता हूँ. ऑलरेडी ये वीडियो आपको पता है 20-25 मिनट की बन गई होगी, आप भी बोर हो जाते होगे. तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा.